Yeah, best you can. Thank you. Hello, thank you. How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah. तारीख 23 जून 2018, एक फुटबॉल टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। जल्दी उनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये तय था कि उन्हीं में से एक खिलाड़ी का जन्मदिन मनाने पूरी टीम एक साथ कहीं जाएगी। और जैसे ही प्रैक्टिस खत्म हुई, बोतरे पार्टी के सेलिब्रेशन के लिए पूरी टीम और टीम के कोच निकल पड़े। इसके लिए वो एक गुफा के सामने गए जिसका नाम लुआंग था। गुफा के दरवाजे के सामने खड़े होकर सबने सोचा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, और वो चल पड़े पोतरे को एडवेंचर मनाने के लिए गुफा के अंदर। चलते चलते वो गुफा में करीब कुछ किलोमीटर अंदर चले गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। अंधेरा इसलिए भी क्योंकि बाहर घनघोर बादल घिराए थे। इन बादलों ने देखते ही देखते बरसना शुरू कर दिया। बारिश बहुत जोर से होने लगी थी। इस बारिश के बारे में पूरी टीम को कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने मौज में आगे बढ़कर एक जगह तक जाकर रुक गए, और कुछ देर बाद अंधेरा बढ़ता देख अपनी पार्टी खत्म करके उन्होंने वापस जाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने के लिए थोड़ी दूर चले, उन्होंने एक भयंकर पानी के फ्लो की आवाज सुनी जो सुनने में ही डरावनी लग रही थी। लेकिन उन लोगों ने अगले ही पल जो देखा वो काफी डरावना था। जो आवाज सुनाई दे रही थी उसने अब असली शक्ल बना ली थी। पानी का एक खतरनाक फ्लो गुफा के अंदर तेजी से आ रहा था। पानी के इस खौफ को देखते हुए टीम के बच्चे बुरी तरह डर गए। डर का आलम यह था कि सब रोने लगे। लेकिन उस वक्त टीम के कोच ने समझदारी दिखाते हुए उन्हें हिम्मत दी और इस बात का आश्वासन दिया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इस बात को और प्रैक्टिकल बनाने के लिए उसने बच्चों को बताया कि पानी भले ही बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं तो मुमकिन है हम सब सुरक्षित बच जाएं। वो पानी से बचते बचाते थोड़ा आगे बढ़े तो कोच को आखिरकार एक चट्टान दिखी गई, जिस पर उसने काफी मशक्कत से सब बच्चों को चढ़ा दिया और अंत में खुद भी ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस चट्टान इस भयानक मुसीबत काल नहीं थी। ये बस कुछ ही देर तक उन बच्चों को पानी से बचाए रख सकती थी, क्योंकि बारिश की वजह से लगातार गुफा में पानी बढ़ता ही जा रहा था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि पानी का बहाव कुछ कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था और उनका इंतजार काफी लंबा होता जा रहा था। खौफ के साए में घंटों ने खुद को दिनों में बदलना शुरू कर दिया। ये तो एक सीन हुआ कि गुफा के अंदर क्या हो रहा था। लेकिन जो बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे थे, उन्हें ढूंढते हुए उनके घर वाले पागल हो रहे थे कि आखिर कहां गायब हो गए सारे के सारे बच्चे एक साथ। तभी एक बच्चे ने उनके घर वालों से उनके थाम लुआंग गुफा में जाने के प्लान के बारे में बताया। चूंकि उस दिन वो लड़का उन लोगों के साथ नहीं गया था, इसलिए वो इस लायक बचा कि अपने घर वालों को बता सके। ये सूचना मिलते ही उन बच्चों के घर वालों ने गुफा के बाहर जाकर उन्हें तलाशना शुरू कर दिया। तभी उन्हें गुफा के दरवाजे पर ही उन बच्चों की साइकिल दिखी और उन्हें समझ आ गया कि हो ना हो बच्चे इसी गुफा में फंसे हुए होंगे, जो अब पानी के इस भयंकर बहाव के कारण बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। लेकिन उन सबके मन में एक ही डर ये भी था कि अगर पानी का बहाव इतना तेज है तो कहीं उन बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। इसी डर में उन्होंने सबसे पहले प्रशासन को इस बात की जानकारी देनी सही समझी। इधर भीतर भूख से परेशान बच्चे फिर से हताश होने लगे थे, लेकिन उनके कोच ने उन्हें समझाया कि किस तरह से इंसान बिना खाए भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इस विश्वास को और सार्थक बनाने के लिए उसने उन बच्चों को मेडिटेशन करवाना शुरू कर दिया था, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। ऐसा करते हुए दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन उस गुफा से बच्चों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी बीच इन बच्चों की जान बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और इसराइल जैसे देशों के डाइवर्स गुफा के पास पहुंचने लगे। साथ ही प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ गुफा के अंदर के लाखों लीटर पानी को निकाल चुका था, लेकिन पानी का बहाव ही इतना था कि उनके लगातार पानी निकालने के बावजूद पानी गुफा में बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए सबसे पहले तो ये तय किया गया कि गुफा में जिस जिस रास्ते से भी पानी अंदर जा रहा है, उन रास्तों पर बांध बनाकर पानी को गुफा के अंदर जाने से रोका जाए। इसके बाद गुफा में 3 जगह बांध बनाया गया, जिस वजह से पानी के बहाव को कुछ हद तक कम किया गया। डाइवर्स गुफा में लगातार अंदर बढ़ते जा रहे थे। मुमकिन था कि उन डाइवर्स की जान भी खतरे में ही हो, क्योंकि वो बच्चे कहां होंगे ये किसी को भी पता नहीं था। बिना किसी उम्मीद के आगे बढ़ते हुए डाइवर्स जब करीब 4 किलोमीटर गुफा के अंदर पहुंच गए, तभी उनमें से एक को इंसानी गंध आनी शुरू हो गई और उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि बच्चे आसपास ही होंगे। और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें एक चट्टान पर बैठे हुए बच्चे नजर आ गए। इसके बाद इन डाइवर्स की सांस में सांस आई कि वो किस्मत से गुफा में सही दिशा में जा रहे थे। डाइवर्स ने तुरंत ही अपने पास रखे हुए खाने की चीजों को उन बच्चों को दिया, जिससे कि सबसे पहले इतने दिन से भूखे बच्चों को कुछ खाने को मिल सके। चूंकि गुफा में पहले से ही ऑक्सीजन की कमी थी और अब इन गोताखोरों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा और कम होनी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पाइप की मदद से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर गुफा में पहुंचाए गए। जो अब सबसे जरूरी बात थी वो ये थी कि आखिर इन बच्चों को इस गुफा से बाहर निकालेंगे कैसे।
इसके लिए जो कुछ तरीके दिमाग में आ रहे थे उनमें से एक था कि बच्चों को पहले स्कूबा डाइविंग सिखाई जाए और फिर वो तैर कर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बच्चे पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इसलिए उन्हें स्कूबा डाइविंग सिखाना नामुमकिन था। इसलिए तय था कि बच्चों को पहले बेहोश किया जाएगा और फिर उन्हें एक एक फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा। एक किट में मौजूद बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी दो डाइवर्स को दी गई। इसी बीच इजराइल ने ऑप्टिकल फाइबर की मदद से बच्चों तक इंटरनेट पहुंचा दिया ताकि वो बच्चे अपने घर वालों से बात करके थोड़ा शांत हो जाए। इसके बाद ऑर्डर मिलते ही पहले चार बच्चों को एनेस्थीसिया की मदद से बेहोश करके दो डाइवर्स की मदद से 4 किलोमीटर लंबी तैराकी पूरी करवा कर उन बच्चों को 8 जुलाई 2018 की शाम 7:55 पर बाहर निकाला गया। उन चार बच्चों के बाहर आते ही सबके मन में ये बात साफ होने लगी कि अब शायद सारे बच्चे और उनके कोच सही सलामत बाहर आ जाएं। और हुआ भी भाई, सारे डाइवर्स ने अपनी जान पर खेलते हुए आखिरकार 10 जुलाई 2018 को 6:55 पर गुफा में फंसे सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दुर्घटना हो गई और उसमें एक ब्रिटिश डाइवर की मौत हो गई। इस रेस्क्यू में शहीद होने के नाते उस गुफा के गेट के बाद उस ब्रिटिश डाइवर की मूर्ति बनवाई गई। पूरे 18 दिन तक गुफा में फंसे रहने के बाद आखिरकार बच्चे सही सलामत बाहर निकल गए। दोस्तों, ऐसी घटनाएं कब किसी के साथ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अगर हम कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं तो हौसला नहीं आना चाहिए, समझदारी के साथ उस सिचुएशन का सामना करना चाहिए। अगर आप भी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें।